हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या कह सकते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरा चैप्टर जो आपके उसमें वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेकिन मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी में वोटिंग के लिए भी डाला था कि आप लोग कहिए तो सेपरेट पढ़ाएं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सेपरेट पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप लोगों ने वोटिंग भी ज़्यादा उसी में की, तो इसलिए पहले हम आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो प्राइम मिनिस्टर की पढ़ा देंगे। उसमें इसका रिवीजन भी हो जाएगा और दोनों अलग अलग आपको अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अलग से ड्यूटीज़ एंड राइट्स पूछ लेते हैं और मिनिस्टर्स की अलग से पूछ लेते हैं। तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आपके अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, एक चीज़ आपको और बताते चले कि कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, और जैसा कि स्पेसिमिन पेपर ने दिखाया है कि वहाँ पे अब वो आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी और अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से हैं जो ऐसे फैक्ट पे नहीं है। अगर आप चैप्टर अच्छे से समझ नहीं रहे हो तो उसके आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा और एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग पे तो यूपीएससी भी जोर देती है, तो आंसर राइटिंग आप कर सको, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस और उन पे प्रैक्टिस ज़रूरी है। आईसीएससी क्वेश्चन बैंक है, ठीक ठाक मोटी किताब है। ठीक है, मतलब मोटी मतलब डराने के पर्पज से नहीं बताया, इसलिए बताया कि ठीक ठाक क्वेश्चन है जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके आंसर्स भी इसमें गिवेन है। ठीक है, तो वो सवाल गुरुकुल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। चलिए, कमिंग बैक टू चैप्टर, हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इवन प्रेसिडेंट, ये सब हम किसके पार्ट पढ़ रहे हैं, ये सब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं। आपको पता है गवर्नमेंट जो है उसके थ्री लिम्स हैं, एक है आपका जो है लेजिस्लेचर, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये आई बटन पर लगाए दे रहे हैं। दूसरा आप एग्जीक्यूटिव पढ़ते हो, जिसमें आप प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सब देखते हो। तो प्राइम जो प्रेसिडेंट है उसकी वीडियो भी आई बटन पे लगाए दे रहे हैं, वो भी वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, और तीसरा आपका क्या है, जुडिशियरी है, जिसमें बच्चों के डिमांड पे हमने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ा दिए थे। प्राइम मिनिस्टर पढ़ाने के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ा देंगे। ठीक, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम प्रेसिडेंट को पढ़ चुके हैं और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पे आप पहले से जान लो, जो कि प्रेसिडेंट में हम बताए थे कि ये होता है नॉमिनल हेड, और रियल पावर जो वेस्टेड होती है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल में वेस्टेड होती है। ठीक है, कहा यह जाता है कि ये इसको एडवाइस करने के लिए और असिस्ट करने के लिए होती है, लेकिन रियल बात यह है कि एडवाइज और असिस्ट जैसा कुछ नहीं होता। मतलब वो एडवाइस ऐसी होती है जिसको मानना ही मानना होता है, च्वाइस नहीं होती है प्रेसिडेंट के लिए। भाई इतना जानो, काम सारे ये करती है और केवल प्रेसिडेंट का नाम होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर करती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इसके लिए वर्ड देखोगे तो एक है एग्जीक्यूटिव डी जेओर, और एक है एग्जीक्यूटिव डी फैक्टो। ठीक है, तो डी फैक्टो कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, और डी जेओर कौन हुआ, वो प्रेसिडेंट हुआ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो अब आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें हम आपको बताएंगे, आप जीके के लिए या हो सकता है पूछ लीजिए, दो आर्टिकल आपको यहाँ पे याद रखने, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आर्टिकल नाम लेके बताएंगे तो आपको याद भी रहेगा और मजा भी आएगा। अगर आपको कल को कुछ जीके जीएस या फ्रेंड्स में थोड़ा अपने को कलर ऊंची करने के लिए काम लग जाए तो ये बता सकते हो। आर्टिकल 74 में दरअसल प्रोविजन है। ठीक है, प्रोविजन है, और प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 74 में लिखा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक, अब यही हमने शुरुआत में बताया कि सही माने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत अलग अलग नहीं है। ठीक है, मतलब आर्टिकल लगभग सेम पा जाओगे, लेकिन कुछ चीजें अलग है, इसीलिए मैंने चैप्टर अलग किया है। तो प्रोविजन प्राइम मिनिस्टर का भी इसी में है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी इसी में है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसका काम क्या होगा कि वो प्रेसिडेंट को क्या करेगा, एडवाइस करेगा और असिस्ट करेगा, यानी उसकी सहायता करेगा और सलाह देगा। ठीक है, ये प्रोविजन है आर्टिकल 74 में, और 75 में है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक। तो अपॉइंटमेंट ये होगी कि प्रेसिडेंट जो है,
प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को। किसको अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को। ऐसे नहीं किसी को उठा के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा उस पर्सन को, उस लीडर को जो जिसकी मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी पार्टी लीडर, यानी लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। ठीक, इसको क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। और कहां पे? इन लोकसभा, इन लोकसभा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा से भी बनते हैं। अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो मिसेस इंदिरा गांधी और आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा से ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये फेमस नाम इसलिए मैंने बता दिया, और एक दो रहे हैं, ठीक है, वो राज्यसभा से रहे, लेकिन राज्यसभा से भी रहे हैं तो वहां पर लोकसभा उनके अपोज में नहीं रही है। अगर लोकसभा ना चाहती तो ये ना रहते, ठीक है, मतलब उनकी ही गवर्नमेंट थी, लोकसभा में उनकी मेजोरिटी ऑलरेडी थी, इसलिए यहाँ पे बने हैं। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, किसको? जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो। दूसरा, अगर पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, अगर पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो एक कंडीशन और हो सकती है, कोएलिशन में गवर्नमेंट बनेगी। कोएलिशन समझ रहे हो ना? जैसे अगर आप न्यूज सुनते होगे तो अभी एक इंडिया बनी है जिसमें बीजेपी को, मतलब एनडीए को छोड़ करके, भाजपा और उसके अलायंसेस को छोड़ करके बाकी जितनी पार्टी हैं सब एक हो गई और उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है। फुल फॉर्म जान रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अगर कोएलिशन की गवर्नमेंट है तो कोएलिशन भी जिसको बनाना चाहेगी, मतलब प्रेसिडेंट जिसको देखेगा कि हाँ कोएलिशन इसको बनाना चाह रही है, तो यानी लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी मानी जाएगी, तो उसको प्राइम मिनिस्टर क्या कर देगी? अपॉइंट कर देगी। ठीक, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये होती है कि अगर मान लो किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, मतलब कोएलिशन के पास भी नहीं है या कोएलिशन नहीं बना है, किसी के पास भी नहीं है, तब आपको पता है, रिवाइज कर लो, कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। हमने कहा था ना कि यहाँ सब रिवाइज करते चलोगे, एक छोटा वीडियो भी बनाया था तो हमने आपको बताया था कि इंटरलिंग करोगे तो मजा आएगा। तो इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर को हिंदी में बोलेंगे विवेकाधीन शक्ति, यानी जो अपने दिमाग से कर सकता है। तो उसमें वो ये करेगा कि वो जिसको देखेगा कि हाँ ये अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है, और असल में ये है, प्रैक्टिकली ये है कि सही माने में उसके पास कुछ ज़्यादा दिखता है कि हाँ ज़्यादा एमपी जिसके पास में है, भले मेजॉरिटी में ना हो लेकिन ज़्यादा एमपी जिसके पास दिखते हैं, उसको वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके पीएम अपॉइंट कर सकता है, और फिर उससे बोलेगा, एमपी नहीं पीएम अपॉइंट कर सकता है, और फिर उससे बोलेगा कि वन मंथ के अंदर आप लोकसभा के फ्लोर पे, ठीक है, या हाउस के फ्लोर पे, जिसको कहेंगे हाउस के फ्लोर पे, अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर दो। ठीक, तो तीन तरीके से क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। ठीक, और ये आर्टिकल कौन सी है, किसमें बात हो रही है? 75 की। ठीक, ये बात हो गई। अब जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया तो हम अब पढ़ेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होती है। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद में ये एडवाइज करता है, ये एडवाइज करता है किसको? प्रेसिडेंट को। ये एडवाइज करता है अपनी मिनिस्ट्री के लिए। ठीक, यानी प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे उसको अपनी मिनिस्ट्री में रखने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइज कर दे कि तुम इनको इनको हमारी काउंसिल में शामिल कर दो। तो जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहता है वो शामिल हो जाते हैं किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक, तो ये हो गया क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहां पर एक चीज और भी जान लो, प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइज करता है किसके लिए? मिनिस्टर्स के लिए। वो मेंबर्स लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ठीक, जिनको वो मिनिस्टर बनाना चाहे। इवन ये भी हो सकता है कि वो नॉन मेंबर हो, नॉन मेंबर हो, उनको भी वो क्या कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए यानी एज ए मिनिस्टर एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इनको मिनिस्टर बना दो, और प्रेसिडेंट उनको मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। बस एक शर्त होगी कि वो मिनिस्टर बनने के बाद में 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर वो चाहे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो जाए, ठीक, या यहां से इलेक्ट हो जाए, मतलब कुल मिलाकर के उनको पार्लियामेंट का मेंबर बन जाना होता है। अब लोकसभा में नॉमिनेशन तो होता नहीं, आपको पता है, जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो अब है नहीं, तो यहाँ तो नॉमिनेशन होगा नहीं, नॉमिनेशन यहाँ हो सकता है, या कोई सीट वैकेंट हो तो वहाँ से वो इलेक्शन लड़ करके फिर क्या बन सकते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं। और अगर नहीं बन पाए 6 मंथ में तो फिर उनको वहाँ से डिसमिस कर दिया जाएगा, या वो फिर अपना वैकेंट कर दें अपनी पोस्ट को। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 74 में प्रोविजन है प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, 75 में उनकी अपॉइंटमेंट होती है,
ठीक है। पीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कितने तरीके से करता है? तीन तरीके से आपने देख लिया कि इस तरीके से वो पीएम का अपॉइंटमेंट कर देगा, और जब पीएम अपॉइंट हो जाएगा तो वो एडवाइस करेगा, यानी अपनी काउंसिल वो खुद बनाएगा, ठीक है, अपनी काउंसिल खुद बनाएगा, जिसमें वो लोकसभा से, राज्यसभा से, इवन नॉन मेंबर्स को भी मिनिस्टर्स के लिए अपॉइंट करवा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर के पास ही ये पावर होती है कि वो इनको डिसमिस भी करवा सकता है, ठीक है, वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि आप इनको डिसमिस कर दो, बर्खास्त कर दो, ठीक, ये पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। आगे हम देखेंगे कि इनके कंपोजिशन क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या कंपोजिशन। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको थ्री टाइप्स के मिनिस्टर्स दिखेंगे काउंसिल में। कितने? थ्री टाइप्स के मिनिस्टर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक तो है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। इनमें आपको पूछ लेते हैं कि इनमें आप डिफरेंस बताओ, डिफरेंशिएट करने को पूछ लेते हैं। देखो कैबिनेट जो वर्ड है, अभी आपको बताएंगे किचन कैबिनेट क्या होती है। कैबिनेट जो वर्ड है ये आया था 1979 में, इसके पहले कैबिनेट वर्ड नहीं था। 1979 में दरअसल ये प्रोविजन हुआ था, उसमें बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 में इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। अब देखो प्रेसिडेंट से एक चीज रिवाइज करवा दिए कि जो है इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी है, वो डिक्लेरेशन कहाँ होती है? आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। और 56 में कौन सी है? स्टेट इमरजेंसी है, ठीक। और आर्टिकल 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक। तो जो 352 में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है वो कैबिनेट की रिटर्न, जब रिटर्न में कैबिनेट देगी, रिटर्न एडवाइस करेगी, तब वो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, ठीक। तो वहां पे 1979 में कैबिनेट की बात आई थी। एक यहाँ पे और जान लो, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक। ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन ये देखा गया कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो सबको मिनिस्टर्स बनाने के चक्कर में बहुत सारे मिनिस्टर बन जाते हैं, काम उनका कोई नहीं होता है, फर्जी खर्चा बढ़ाते हैं, तो ये अमेंडमेंट किया गया और ये हुआ कि 15% से ज़्यादा जो मिनिस्टर्स नहीं होंगे, ठीक। तो ये भी आपको माइंड में रखना कि 15% मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो थ्री टाइप के हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, रियल जो एग्जीक्यूटिव होती है या रियल मिनिस्टर, जिनको आप मिनिस्टर्स कह सकते हो, सही मायने में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो यही कैबिनेट है, ठीक। ये 15-20 होते हैं कुल मिलाकर के अपने आप में, ठीक है, 15-20 होते हैं। अभी आपको कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर्स के बीच, काउंसिल के बीच का डिफरेंस बताया जाएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, तो अभी उसको बताते हैं आपको। तो 15-20 होते हैं, और जो बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं वो इनके पास होते हैं। बड़े पोर्टफोलियोज का मतलब जैसे होम, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, ठीक, इस तरीके के जो मेन पोर्टफोलियोज होते हैं उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक। और सही मायने और इन्हीं की जो कैबिनेट होते हैं, इन्हीं की वीकली ये आपस में बैठते हैं, ठीक है, मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग इन्हीं की होती है, और सही मायने में जो कोई प्लान बनाते हैं वो सब यही कैबिनेट वाले ही बनाते हैं। मतलब प्रैक्टिकली आप जान लो, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो ये सब भी, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है ये भी आप जानते रहो साथ में, ठीक। कहा तो जाएगा जब मिनिस्टर तो आप ये सब कहे जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में यही होता है कि सारा प्लान यही बनाते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यही सारा सबका प्लान बनाते हैं, और वही इसको इम्प्लीमेंटेशन भी इन्हीं के पास होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी यही करवाते हैं, इन्हीं की वीकली मीटिंग भी होती है, और प्राइम मिनिस्टर के बाद में मेन यही होते हैं, मेनली यही होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर से रोजाना मिल पाते हैं, ये सब नहीं मिल पाते हैं, रोजाना यही मिल पाते हैं, यही उनको एडवाइस करते हैं, और यही आपस में मैंने बताया कि सारे प्लान बनाते हैं। यही जो है वो आपको पता है कि जो पार्लियामेंट में बिल पेश की जाती है, एक तो ऑफिशियल बिल होती है जो आपने सुना, आपने पार्लियामेंट पढ़ चुके हो, आप एक ऑफिशियल बिल आप सुने हो या गवर्नमेंट बिल सुने हो, ऑफिशियल या गवर्नमेंट, और दूसरा आपने प्राइवेट बिल सुना है। आपको पता है गवर्नमेंट बिल जो या ऑफिशियल बिल होती है वो मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है ना, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करने का काम भी सही मायने में कैबिनेट का ही होता है, ठीक।
किसका काम होता है, वो कैबिनेट ही सही मायने में उसको इंट्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से आप जान पा रहे हो कि सही मायने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कैबिनेट ही है। ठीक, कौन है? कैबिनेट ही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ही है रियल में, वास्तव में जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे है। ठीक, यानी प्राइम मिनिस्टर के जस्ट बाद कैबिनेट ही है। इनकी जो वीकली मीटिंग होती है उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं आपस में, वही डिसीजंस इन लोगों को कन्वे कर दिए जाते हैं, इन लोगों को यानी अदर मिनिस्टर्स को, और वो अपने नीचे सेक्रेटरीज होते हैं यानी जो IAS वगैरह होते हैं उनके थ्रू वो सब इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और ये इन सबको मानना इन लोगों की मजबूरी होती है, इसमें ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हैं तो मिनिस्टर्स अपने आप में समझ ही रहे हो कि एक तो ये जो है MP भी हैं, भले राज्यसभा से हैं लोकसभा से, अपने आप पे MP भी हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव यहाँ इतनी पावरफुल होती है इस जगह पे कि ये लोग जो हैं, हाँ, और पावरफुल तभी तक है जब तक इनका जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस है लोकसभा में। ठीक, लेकिन जब जिस समय कॉन्फिडेंस है वो यही खूब ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनके आपस में भी ये चीज़ होती है, आप जान लो, इनके आपस में ये चीज़ होती है कि इनके आपस में जो भी डिस्कशन के बाद जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन, इनमें आपस में भी कोई एक पर्सन उस डिसीजन से डिसएग्री नहीं हो सकता है, आइदर इनसाइड द पार्लियामेंट और आउटसाइड द पार्लियामेंट उसको सपोर्ट ही करना पड़ता है। और अगर मान लो इसकी मीटिंग में, मान लो सपोज दैट 20 मेंबर्स हैं और एक लोग अगर मान लो डिसएग्री हुए, तो ऐसा नहीं कि इनको मनाया जाएगा, फिर इनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रिजाइन कर दो। और ऐसा हो चुका है, डॉक्टर BR अंबेडकर शायद सबसे पहले हिंदू कोर्ट बिल जो बन रही थी उस पर सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने मिनिस्ट्री से रिजाइन करी थी, क्योंकि उनकी नहीं बनी थी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और यही होता है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई रुकावट डाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, उन्हीं को रिजाइन कर देना होता है, और या तो फिर आउटसाइड या इनसाइड उनको क्या करना होता है, वो सपोर्ट करना होता है, क्योंकि बाकी सब लोग एक साथ हैं और इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी इस जगह पे नहीं चल पाएगी। ठीक है, इतनी डेमोक्रेसी है कि हाँ आपस में ये लोग डिस्कशन कर लिए, और जान ही रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज यहीं पर है। तो कैबिनेट आपको समझ में आ गई होगी, अभी और समझ में आएगी। फिर है मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसमें क्या होता है, जैसे मेन पोर्टफोलियो तो यहाँ पे हो गए, कुछ कम इंपॉर्टेंस वाले जो पोर्टफोलियो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के पास होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में दो कैटेगरी हो जाती है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में दो कैटेगरी हो जाती है। एक हो जाते हैं, आपने देखा होगा गाड़ियों पे लिखा हुआ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि हिंदी में लिखा रहता है इसलिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंडिपेंडेंट चार्ज, तो वो कैबिनेट के ठीक नीचे वही माने जाते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। तो जो लेस इंपॉर्टेंस की जो पोर्टफोलियो होती है वो इनको मिला होता है, लेकिन ये कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आते। कौन से हैं? इंडिपेंडेंट चार्ज वाले ये नॉर्मली कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते हैं, हाँ, लेकिन इनको बुलाया जा सकता है, और जब बुलाया जाएगा तो फिर ये कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। कौन? इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। लेकिन इसमें दूसरी कैटेगरी ये भी है जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले नहीं होते, वो केवल असिस्ट करने के लिए होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। जैसे मान लो होम मिनिस्ट्री जिसके पास है उसको एक और मिनिस्टर की जरूरत है अपने काम में हेल्प के लिए, तो वो जो मिनिस्टर अपने जस्ट नीचे रखेगा वो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होगा, वो उनको सहायता करेगा, लेकिन वो कभी भी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई, कभी ना बुलाया जाता है ना वो जाता है। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इनको बस क्या होता है, यहाँ से जो ऑर्डर मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, बाकी इनका कोई काम नहीं होता। ये उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, इनका सीधा काम है कि ऑर्डर मिला फॉलो करो, उसके आगे इनका और कोई उसमें रोल नहीं होता, मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो श्रीमान जी आप क्या करिए, रिजाइन कर दीजिए। इसके बाद में होता है डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट के लिए या इंडिपेंडेंट चार्ज को या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को किसी को भी असिस्ट करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। हालांकि ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं, तीनों मिलाकर के कहे जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो होप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन तीनों में आप जो है डिफरेंस बताइए, तो आई होप आप बता ले जाओगे कि कैबिनेट क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन है और डिप्टी मिनिस्टर कौन है। ठीक, आई होप आप बता ले जाओगे। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि पूछा भी जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या कोई डिफरेंस है, क्योंकि ये बार बार यूज होता है कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। तो कैबिनेट इधर लिखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इधर लिखो कैबिनेट। तो सबसे पहले साइज का डिफरेंस होता है, क्या साइज का, इसमें 15 to 20 मिनिस्टर्स होते हैं केवल। ठीक, 15 to 20,
और इसमें कई ज्यादा हो सकते हैं, 60-70 तक हो सकते हैं। सबसे पहले उल्टा कर दिए, इसमें 60-70 और इसमें 15-20 कैबिनेट इधर तो है, ठीक। तो साइज का डिफरेंस। दूसरा, जो कैबिनेट है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब आते हैं, इसमें कैबिनेट भी आती है, इसमें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी आते हैं, इसमें डिप्टी मिनिस्टर भी आते हैं, ठीक। 60 में लिख दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे बना लेना, या समझ पाना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये इसी में का एक हिस्सा है, एक पार्ट, ठीक। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमेशा कंसल्ट किससे करता है, हमेशा कंसल्ट करेगा कैबिनेट से, और इससे मे और मे नॉट और जनरली नॉट, इनसे कंसल्ट करता है। और यही जो होते हैं ये ट्रस्टेड कलीग्स होते हैं, किसके ट्रस्टेड कलीग्स होते हैं, किसके प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्टेड, यही जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं क्या पॉलिसी, डिटरमाइन करते हैं पॉलिसी, ठीक। और डे टू डे जो भी ड्यूटी डिस्चार्ज होती है मिनिस्ट्रीज की, वो सब कैबिनेट में ही देखी जाती हैं, ये केवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन पे देखो तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपने देखा था कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। बट ऐसा होता नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू, आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज प्रेसिडेंट, बट इन रियल कैबिनेट एडवाइजेस, ठीक है। यानी रियल में क्या है, कैबिनेट ही एडवाइज करती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब ये सारे मिनिस्टर्स वहां पे एडवाइस करने नहीं जाते। इवन आपने देखा था प्रेसिडेंट, जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने एक चीज देखी थी कि प्रेसिडेंट ये कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट के जितने आप ड्यूटीज आप देखे थे, ठीक है, कि प्रेसिडेंट ये सब कर सकता है, वो असल में आप प्रैक्टिकली ये जान लो यहाँ पे कि वो सारे काम जो वो करता है वो उसके नाम पर केवल होते हैं। वो सारा काम कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नाम पर होता है, सही मायने में उसको कौन करता है, हालांकि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है, यहाँ पे आप देख चुके हो, लेकिन उसको कौन करता है, उसको भी कौन करती है, कैबिनेट करती है, ठीक। होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या कोई डिफरेंस है, तो आप ये कहोगे हाँ, वैसे तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही एक पार्ट है, मतलब जो ओवरऑल 60-70 मिनिस्टर्स होते हैं उसमें से 15-20 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, उन्हीं को कैबिनेट कहते हैं। और सही मायने में जितना कुछ वर्क होता है मिनिस्ट्रीज का, वो सब वही कैबिनेट वाले देखते हैं। वही जो होते हैं रियल में, वो प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और सही मायने में वही सारा काम प्रेसिडेंट के लिए डिसाइड करते हैं वही। यानी चाहे सेशन को बुलाना हो, ठीक है, यानी सेशन को कॉल एड्रेस करना हो, वो उसकी जो तैयारी है सेशन को कॉल करने की, उसको प्रोरोग करने की, कोई भी अपॉइंटमेंट करने की, अभी जो हम इसके काउंसिल के काम पढ़ेंगे तो किसी भी अपॉइंटमेंट की, कोई भी काम करनी, इवन लोकसभा को डिसॉल्व करना हो तो वो सारा काम, इवन इमरजेंसी हो तो वो सब करती सही मायने में कौन है, कैबिनेट ही करती है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ये डिफरेंस है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो हमने अपॉइंटमेंट देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैटेगरीज देख ली, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने डिफरेंस देख लिए, अपॉइंटमेंट हमने देख लिया था, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अभी हमने ये नहीं देखा है कि इनका रिटायरमेंट कैसे होता है या कैसे इनकी ऑफिस वैकेंट होती है, इस पर हमने नहीं बात किया है। थोड़ी सी बात करी थी कि पीएम जो इनको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक, वही इनको एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इनको डिसमिस कर दो, मतलब डिसमिस वही करवा सकता है, या वो किसी प्रेसिडेंट से कह सकता है कि तुम रिजाइन कर दो, कौन करवा सकता है, प्राइम मिनिस्टर खुद, ठीक। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं करता है तो टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब, यानी इवन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब अपने पोस्ट पे बने रहते हैं, ठीक, टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। और आप समझ रहे हो कि प्रेसिडेंट की खुशी
कहां तक है, जहां तक खुशी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की, मतलब प्रेसिडेंट की खुशी इसी पर है कि प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है कि हाँ हमारी कैबिनेट में ये लोग या हमारी हमारी मिनिस्ट्रीज में ये लोग रहे, अगर ये लोग नहीं चाह रहा है तो या तो प्रेसिडेंट को बोल देगा कि इनको डिसमिस कर दो, मतलब सबसे पहले तो इन्हीं बोलेगा कि भाई तुम रिजाइन कर दो, और अगर ये नहीं रिजाइन कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट से कहेगा इनको डिसमिस कर दो, और वो तुरंत इनको क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि पीएम को डिसमिस करवा दे, तो वो पीएम को डिसमिस नहीं करवा सकते हैं जब तक कि उसका कॉन्फिडेंस लोकसभा में है। तो पीएम को डिसमिस ये नहीं करवा सकते। कहा गया है कि टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा, लेकिन प्रेसिडेंट के प्लीजर का सही मायने में कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा में जब तक इनका कॉन्फिडेंस है तब तक प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं हटा सकता है। बात आपको इतनी समझ में आई? ठीक, जो कैबिनेट होती है, ठीक है, अब हम सही मायने में अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बोलेंगे हर बार, क्योंकि इतना आप समझ गए हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सही मायने में जहां पे हमको जो चीज उसके अंदर पढ़नी हो सब अब कैबिनेट की पढ़नी है, क्योंकि सही मायने में काम कैबिनेट कर रही है। ठीक, हालांकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम पूछे जाएंगे तो आप यही काम बताओगे, लेकिन हम अब बार बार कैबिनेट यूज करेंगे। ठीक, इनके सबके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दो तरीके रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इवन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि किसी कोई जो पोर्टफोलियो है उसका, जो मिनिस्टर जो अपने काम कर रहा है उस अपने पर्टिकुलर काम के लिए भी वो लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होता है। कहां पे? लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, और इवन वो कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जैसे आपने देखा कि अलग अलग पोर्टफोलियोज होम, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, ये सब हैं, लेकिन ये वीकली मीटिंग करते हैं, मैंने आपको बताया, और सारे डिसीजंस वहाँ पे बैठ के एक साथ लिए जाते हैं, और वो मैंने बताया इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस उनको सपोर्ट करना ही होता है एक दूसरे को, क्योंकि वो गवर्नमेंट चला रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट में वो कोई अपोजिशन नहीं चला रहे हैं, तो वो काम मीटिंग में लिए जाएंगे साथ में और उनको सपोर्ट किया जाएगा, और इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे जा करके होती है, लोकसभा में होती है, लोकसभा में होती है। अब यहाँ पे इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने मिनिस्ट्री में भी होती है। अब वही चीज़ अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाए तो प्राइम मिनिस्टर उनको रिजाइन करवा लेगा, डिसमिस करवा देगा। प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए कहा गया कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसाइड कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। भाई मान लो किसी एक मिनिस्टर से लोकसभा जो है वो डिसएग्री कर जाती है, तो वो इसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगी। क्या लेकर के आएगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगी। लेकिन मजे की बात आप जान लो, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो केवल ये एक मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा, इवन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि आपने लोकसभा के ग्राउंड पे अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। ठीक है, तो सबको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे मिनिस्टर्स को, सबको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज है, ये डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। वो कैसे कर सकता है? मान लो उनको ये पहले से आइडिया लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डिसाइड कर पा रहा है, उनको पहले से ये चीज लग रही है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो उसी को रिजाइन करवा देंगे और बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर होशियार है, हालांकि एक चीज और भी है कि ये सारी चीज तभी हो सकती है जब लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी बनी है। तो कैसे डिसमिस हो सकते हैं, आई होप ये चीज क्लियर हो गई कि लोकसभा में मेजॉरिटी भी जरूरी है। ठीक, और इवन ये लोग भी, यानी कैबिनेट और मिनिस्टर लोकसभा को डिसॉल्व भी करवा सकते हैं, इनका एक फंक्शन है। अभी जब कैबिनेट फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि लोकसभा जो है वो जो उसका पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, लोगों के प्रति विश्वास है, वो खो चुकी है, वो सही से वर्क नहीं कर पा रही है, आप लोकसभा डिसॉल्व कर दो और री इलेक्शन करवाओ। तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है। बट और आपको ये भी पता है कि लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के मिनिस्ट्री को रिजाइन करवा सकती है, तो ये एक दूसरे को रिजाइन करवा सकते हैं। आप कहोगे कि सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, ये कहे नहीं लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने मोशन में है, मतलब अगर वो चल रहा है उस टाइम पे, तब उस समय इसको डिसॉल्व करने वाली बात नहीं मानी जाएगी। ठीक, होप ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट। अब यहाँ पे हमें देखना है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट। यहाँ पर आपको पता चलेगा, अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो,
कि क्यों लोग मिनिस्टर बनना चाहते हो, मिनिस्टर्स इतना पावरफुल क्यों होते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पर जान पाओगे। हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मिनिस्टर्स ओथ क्या लेते हैं, ठीक। दरअसल ओथ प्राइम मिनिस्टर की भी ओथ सेम होती है और मिनिस्टर्स की भी सेम होती है, तो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में बता देंगे कि ओथ उनकी क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट, और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ जान पाओगे इतने पावरफुल क्यों होते हैं। तो इनकी पावर चार तरीके की देख सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, फाइनेंशियल पावर क्या होती है, और इमरजेंसी पावर क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की, तो पॉलिसी मेकिंग की पावर इनके पास होती है। कोई भी पॉलिसी जो बनती है, कोई किसी भी तरीके की पॉलिसी देश चलाने के लिए, वो सब कौन बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में मिल बैठ के बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर के पास ही हो जाती है, अप्रूव वही करता है, मतलब ऑफिशियली अप्रूव तो प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन पॉलिसी बनाने का सारा काम इन्हीं के साथ में जो है, जो आपके कह सकते हो IAS वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, वो सब मिलकर के जिनको सेक्रेटरीज बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो इनको असिस्ट करते हैं, और पॉलिसी बनाने का सारा काम किसका होता है, कैबिनेट का होता है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, अब जो सारी पॉलिसी बन गई, अब पॉलिसी रिलेटेड किससे, भाई वही कि होम अफेयर्स कैसे चलेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे चलेंगे, फाइनेंस सिस्टम क्या होगा, देश चलाने के लिए जितनी भी पॉलिसी होती है वो सब बनती यहीं पे हैं, और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो वो अपने जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को, उनके थ्रू डिप्टी मिनिस्टर्स को, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो जो सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस के पर्सन होते हैं, उनके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करवाई जाती है। फिर कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, आपको पता है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं और मिनिस्ट्रीज बहुत सारी हैं और कई मामलों में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जैसे मान लो इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के लिए काम हो, फाइनेंस जैसा काम हुआ, इन सब में कई बार ऐसा होता है कि किसी एक मिनिस्ट्री का काम, जैसे फाइनेंस तो सबका काम है, फाइनेंस की जरूरत तो सब में पड़ेगी, ठीक, हेल्थ पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो कई सारी मिनिस्ट्रीज को साथ में काम करना पड़ेगा, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है वो भी किसका होता है, कैबिनेट का होता है। सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में जो कोऑर्डिनेट होता है, आपस में मीटिंग करती हैं और सारे कैबिनेट के मैटर्स जो है वहाँ पे डिस्कस हो जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन का काम आपस में कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, ऐसे मैटर्स जो कई मिनिस्ट्री से होकर के ही वो सही से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वो काम भी किसका होता है, कैबिनेट का होता है। अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे आप याद करो कि प्रेसिडेंट कौन कौन से अपॉइंटमेंट करता है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेड होता है, इलेक्शन कमीशन का हेड होता है, ठीक है, तो इन सब की इवन गवर्नर ऑफ दी स्टेट, तो ये जितने सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक, जो प्रेसिडेंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपने मन से तो करता नहीं, आपको पता है कि वो जो है एडवाइस पे करता है, जो है तो वो कैबिनेट के एडवाइस पे ही करता है। अब कैबिनेट किसको एडवाइस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करता है, तो सही मायने में हॉकर की आवाज़ आ रही होगी, लोहा ले लो, कब पुराना लोहा बदल लो, ये सब, तो वो काम कौन करता है, वो भी काम कैबिनेट का होता है। तो ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, इसलिए ये सारे पावर्स कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। फिर से एक बार देख लो, क्या पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी बन गई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये दो काम हो गए। तीसरा काम आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन, कि कैसे मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन होना है, और चौथा काम आपका क्या हो गया, अपॉइंटमेंट, ठीक, चार चीज़ें हो गई। अब आ जाओ लेजिस्लेटिव पावर पे, कहोगे सर लेजिस्लेटिव पावर तो पार्लियामेंट के पास होती है, तो भाई ये पार्लियामेंट के मेंबर भी तो होते हैं, ठीक, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और इन्हीं को सबसे होशियार मेंबर माना जाता है, क्योंकि यही जाके मिनिस्टर बनते हैं। तो पहला काम क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस होती है, जो आपने देखा किस तरीके से इतने स्टेजेस में जा करके फिर वो सब पास होती है, वो सारा एक तरीके से ऐसे समझ लो, मतलब प्रैक्टिकल में बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं बता रहे हैं, प्रैक्टिकल में बता रहे हो, इतना समझ लो कि वो एक तरीके केवल कोरम पूरा किया जाता है वहाँ पे। असल में ये होता है कि बिल यही प्रिपेयर करती है कैबिनेट, वही बिल प्रिपेयर कर लेती है, वो इंट्रोड्यूस करती है, और चूंकि आप यहाँ पे समझो कि ये मिनिस्ट्रीज तभी तक है जब तक उनका वहाँ कॉन्फिडेंस है, कहाँ, लोकसभा में, जब तक उनका कॉन्फिडेंस है, यानी लोकसभा में कॉन्फिडेंस बना है तो बिल वहाँ से पास हो ही जानी है, तो यानी वहाँ से वो केवल एक कोरम पूरा करने के लिए जाना होता है, जो बिल है प्रिपेयर करना और इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, वो काम किसका है, वो कैबिनेट का ही है, और यही जो कैबिनेट ही बिल इंट्रोड्यूस करती है इसी को ऑफिशियल बिल,
ठीक है, या गवर्नमेंट बिल कहते हैं। अभी इसको थोड़ी देर पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके थे। फिर है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि एग्जीक्यूटिव जो भी काम करती है, एग्जीक्यूटिव जो भी काम करती है, एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी काम करती है उसके उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में दी जाती है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही देते हैं, और उनको सम अप करने के लिए बाद में प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, फिर है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहोगे ये भी पार्लियामेंट करती है, बिल्कुल पार्लियामेंट करती है, लेकिन कॉन्फिडेंस है तो इसका जो खाका तैयार करना है, जो प्रोजेक्ट तैयार करना, ये सब काम कैबिनेट का होता है, वो सब ऐसा कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उसकी मेजॉरिटी है तो वो वहाँ जा करके उसको पास हो जाना होता है। मतलब फंक्शन सही मायने में तो ये वहाँ भी जाएगा पार्लियामेंट में भी, लेकिन प्रैक्टिकली काम कौन कर रहा है इसको, वो भी कैबिनेट कर रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना है तो वो भी काम कौन कर रहा है, कैबिनेट कर रही है। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर समनिंग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जरा बताओ, थोड़ा लाइव क्लास होती तो और मजा आता है ना, जल्दी ही लाइव शुरू करेंगे। कौन समन करता है पार्लियामेंट को, तो आप कहोगे सर प्रेसिडेंट करता है, ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करेगा, तो कैबिनेट एडवाइस करेगी। ठीक, कैबिनेट एडवाइस करती है, कैबिनेट ही उसका खाका तैयार करती है, और तभी जो है वो हाउस को समन करता है, तभी वो हाउस को एड्रेस करता है। ठीक, ऑर्डिनेंस आपको आप पता ही है कि जिस टाइम पे जो पार्लियामेंट है जब वो अपने सेशन में नहीं होती है और किसी इमरजेंसी लॉ की नीड पड़ जाती है तब उसके लिए ऑर्डिनेंस पास कर दिए जाते हैं। ठीक, और जब ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तब वो एज अ लॉ तुरंत से वर्क करने लगता है, और जब पार्लियामेंट की सिटिंग होती है तो पार्लियामेंट की सिटिंग मतलब होने के 6 मंथ के अंदर जो है वो पास हो जाना चाहिए पार्लियामेंट से। अगर नहीं पास होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहीं से उसी दिन से वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड मैंने एक एमसीक्यू जो है वो कम्युनिटी टैब पे यूट्यूब पे पोस्ट किया था, वहाँ पे आप लोग आंसर किया करो, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, कि क्यों ऑर्डिनेंस को टेम्परेरी ला कहते हैं, यही क्वेश्चन था कि क्यों कहते हैं। ऑप्शन सारे अपने आप में फैक्ट थे, लेकिन इसके क्यों कहते हैं इसका एक ही आंसर उसमें था, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, आप लोग भी आंसर दिया करो। तो जो ऑर्डिनेंस इशू होता है करता तो प्रेसिडेंट है, क्या प्रेसिडेंट अपने आप से कर देता है, नहीं, वो भी प्रोजेक्ट कौन तैयार करता है, कैबिनेट तैयार करती है, और प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, ऑर्डिनेंस बन जाता है। जब पार्लियामेंट अपने सेशन में होती है तो उसको पास अगर कर देती है तो वो लॉ बन जाता है, अगर नहीं पास करती है तो वो वहीं से नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। तो कौन कौन से आपके लेजिस्लेटिव पावर हुए, बिल का इंट्रोडक्शन, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती है, लोकसभा में देती है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है पहली बात। दूसरी बात, चूंकि पीपल की रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा ही है तो लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगी, पार्लियामेंट के थ्रू जाएगी, पार्लियामेंट में इन्फॉर्मेशन कौन देगा, कैबिनेट देगी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हुआ कौन करेगा, कैबिनेट करेगी। हाउस को समन करना है, हाउस को प्रोरोग करना है, प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद में प्रेसिडेंट का एड्रेस है, ये सारा काम कौन करेगा, कैबिनेट करेगी। ठीक, अगर कोई ऑर्डिनेंस लाना है तो कौन लाएगा, कैबिनेट ही प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाने के लिए कहती है। ठीक, ये क्या हो गया लेजिस्लेटिव पावर। अब सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर में बजट, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बजट होती है। तो बजट किसके काम का, सही मायने किसका काम होता है, भाई फाइनेंस मिनिस्टर काम होता है, फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर अपने आप में। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बजट तैयार करता है, और आपको पता है कि उसको पार्लियामेंट ला करके पार्लियामेंट में क्या करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। ठीक, पार्लियामेंट में क्या, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ये आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होते वहाँ। ठीक है, तो वहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट जान लो कि आपको पता है कि जब कोई भी बिल जब वहाँ पे आता है तो वहाँ पे उसमें स्क्रूटनी हो सकती है, कोई सजेशन हो सकता है, लेकिन सही मायने में स्क्रूटनी सजेशन ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं करते वरते हैं। ठीक है, ये सब कैबिनेट वाले ही करते हैं। वहाँ पे स्क्रूटनी और ये सब अगर करना पड़े, ठीक है, अगर करना पड़े तो करना पड़ेगा, मतलब है कि इनकी बात नहीं मानी जाएगी कैबिनेट की, और कैबिनेट की बात ना मानने का मतलब है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दो और सीधे मिनिस्ट्री ही डिसमिस कर दी जाए। बात समझ में आई, यानी अगर बजट में कोई चीज़ नहीं मानी जा रही तो आपको पता है कि कट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, 1 रुपी कट, ये सब जो है ये सब यही हो जाते हैं, वरना बजट में कोई डिस्टर्बेंस लोकसभा वहां नहीं करती है। पावर समझ में आ रही, कितनी पावर है मिनिस्टर्स की। फिर फाइनेंशियल, आपकी गवर्नमेंट जितने फाइनेंशियल डिस्चार्जेज हैं वो सब भी कैबिनेट ही देखती है, चाहे जो है ग्रांट हो,
ठीक है, या किसी भी तरीके का जो खर्चा हो वो सब कौन देखता है, कैबिनेट देखती है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, बजट के अलावा भी जो मनी बिल का इंट्रोडक्शन है जो कि लोकसभा में ही हो सकता है वो भी कौन करता है, वो भी कैबिनेट ही करती है। और सेम जैसे बजट के बारे में बताया वो चीज़ यहाँ भी है। इमरजेंसी पावर मैंने आपको बताया था कि 1979 में ही कैबिनेट वर्ड आया था और उसमें यही था कि जब रिटर्न में प्रेसिडेंट को ये चीज़ जो कहेगी इमरजेंसी लगाने के लिए तभी वो इमरजेंसी लगाएगा। नहीं, इमरजेंसी की पावर रियल में कहाँ वेस्टेड है वो भी कैबिनेट के पास वेस्टेड है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कैबिनेट कितना पावरफुल। बहुत जल्दी से वो समअप कर लेते हैं। हमने दो आर्टिकल देखे थे, आर्टिकल 74, 75, 74 में प्रोविजन है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और असिस्ट करेगा। ठीक, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा या कोएलिशन पार्टी का लीडर होगा, अदरवाइज वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगा, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है किसी वहाँ से, जो कि पहले वन मंथ में ही अपनी वहाँ में मेजॉरिटी को प्रूव करेगा। ठीक, जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो वो अपनी पसंद के लोगों को अपनी कैबिनेट में रखे, अपनी मिनिस्ट्रीज में रखेगा, वो उसके लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और जिसको इसको एडवाइस करेगा उसको वो क्या कर देगा, मिनिस्टर बना देगा। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेगा उसको रिजाइन करने के लिए कह सकता है या जिसको चाहे हो तो उसको प्रेसिडेंट से कह करके डिसमिस करवा सकता है। ठीक, वैसे कहने का बात यह है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट वो मिनिस्टर्स बने रह सकते हैं, मतलब उनका कोई ऐसा टेन्योर नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि या जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तब तक या तो बने रहेंगे और या तो फिर जब तक उनका लोकसभा में क्या है उनका कॉन्फिडेंस तब तक बने रहेंगे। इसमें भी एक चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत चाह रहा है लेकिन अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो प्राइम मिनिस्टर खुद वहां से डिसमिस कर दिया जाएगा, तो मिनिस्टर तो डिसमिस हो ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस बना भी है तब भी प्राइम मिनिस्टर जो है उनको डिसमिस या डिस्चार्ज करवा सकता है। ठीक, ये चीज़ वहाँ पे आपने देख ली थी। इसके बाद हमने देखा था मिनिस्टर्स जो हैं उनका एक तरीके का पोजीशन कैसा होता है, तो हमने देखा कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। हमने कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में ये देखा था क्या क्या गैप होते हैं। हमने देखा था कैबिनेट काउंसिल का हिस्सा है, कैबिनेट ही सब मामले में मेन होती है, वही प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, वीकली मीटिंग उसी की होती है, सारे डिसीजन वही लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग उसी की होती है, फाइनेंस उसी का होता है, बजट उसी का होता है, अपॉइंटमेंट वही करवाते हैं, इमरजेंसी वही लगवाते हैं, सारा चीज़ कैबिनेट का होता है। इंप्लीमेंटेशन के लिए बाकी सारे मिनिस्टर्स होते हैं या किसी का में असिस्ट करने के लिए वो होते हैं। कैबिनेट की ही मीटिंग होती है, हमेशा कहा था कैबिनेट की मीटिंग में इंडिपेंडेंस चार्ज वाले बुलाए जा सकते हैं, अगर बुलाए जाएंगे तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, बाकी लोग बुलाए भी नहीं जाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद फिर हमने देखा था क्या कि पावर्स ऑफ कैबिनेट जो कि जस्ट आपके सामने, होप आपके चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे तो लग रहा है समझ में आ गया है। कमेंट करिएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपको प्राइम मिनिस्टर पे बना के देंगे और प्राइम मिनिस्टर में ये चीज़ें कुछ रिवाइज हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स आप अलग से देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर इतनी पावरफुल जो कैबिनेट है उसका जो हेड हो रहा है। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव डिफैक्टो वो कितना पावरफुल होगा, ये चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एवरीवन।